लंका में सीता किस तरह की फिल्म है और आपका इस फिल्म में क्या कैरेक्टर है, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं साइना सिंह और लंका में सीता एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और मैंने बस एक कैमियो किया है, एक सॉन्ग किया है मैंने गेस्ट अपीयरेंस में, बट यू नो ओवरऑल जो हमारी पिक्चर है, ओ माय गॉड, मैंने अभी ये ट्रेलर देखा है, सबने देखा है, बहुत कमाल की पिक्चर है। साउथ के डायरेक्टर हैं, इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं, तो कितना डिफरेंट था भोजपुरी और के डायरेक्शन में और साउथ के डायरेक्शन? जमीन आसमान का फ़र्क है साउथ के डायरेक्शन में काम करने में और भोजपुरी के डायरेक्शन में काम करने में, हर एक चीज़ में। यहाँ बस आप आओ, काम करो, चले जाओ, बट साउथ में क्या होता है, एक एक चीज़ पे काम होती है, एक एक चीज़ पे आप समझ सकते हो ये 26-27 दिन का ये शूट है ये फिल्म की, तो आप इसकी मेहनत समझ रहे हो कि ऐसा नहीं है सिर्फ 10-12 दिन में शूट कर लिया, तो एक एक चीज़ पे वर्क करते हैं और टाइम टेबल बहुत मायने रखता है उनके लिए, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। कुछ डांट वांट खाने को थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही बट बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला सर के साथ काम करके, सुबह राव सर के साथ, और एक अलग अनुभव था क्योंकि जितने टेक्नीशियन थे सब साउथ के थे, आई मीन कोरियोग्राफर, मतलब हर एक टेक्नीशियन, तो बहुत मज़ा आया, कुछ नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आगे चल के हम कभी भी कुछ और बड़ा अगर काम करते हैं तो एक एक्सपीरियंस मिला है हमें थोड़ा सा डिफरेंट। मतलब केमिस्ट्री कैसी थी शूटिंग के टाइम पे, केमिस्ट्री की बात करें? किसके साथ? पूरी टीम के साथ बहुत अच्छी थी, नहीं बहुत अच्छी थी। मुझे तो पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने सुबह राव सर के साथ फिल्म किया, मैं काफ़ी टाइम से उनको फॉलो कर रही थी, यू नो कि काम करे काम करे, तो उन्होंने बोला यू नो एक गाना है एक सीन है, तो भी मैंने बोला ओके फाइन मैं करूँगी, और मैंने किया और केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, और डायरेक्टर के साथ तो बहुत ही बढ़िया थी, कोरियोग्राफर के साथ अच्छी थी, इवन हीरो के साथ भी बहुत अच्छी थी। गाना आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी केमिस्ट्री कैसी है। नहीं आइटम सॉन्ग नहीं, इज अ कॉलेज सॉन्ग, हम गेस्ट अपीयरेंस गाना है, हम कॉलेज में मिलते हैं ना, एक कॉलेज में पढ़ाई करते दिन वो गाना होता है, क्योंकि अब आइटम का चलन भोजपुरी में ख़त्म हो चुका है, तो अब आइटम नहीं है इसमें। गाने के अलावा भी आपका इसमें कोई कॉलेज का? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, जस्ट लाइक अ कैमियो, ये फिल्म की स्टार्टिंग में ही एक सीन आएगा जिसमें रेस कॉम्पिटिशन होता है और हमारा एक गाना आएगा, दैट्स इट, इतना ही किया है मैंने, बट ओवरऑल फिल्म बहुत बहुत अच्छी है, और वही ऑफकोर्स वही राम है, वही सीता है, वही रावण है, बट अपडेट है, न्यू वर्जन है इसका, आप जाके प्लीज़ देखिए आपको मज़ा आएगा। नहीं अभी अभी थोड़ी भोजपुरी सुधर गई है हमारी, क्योंकि पहले क्या था कुछ भी करते थे और वही दो चार चीज़ें मिक्स होके शूट करते थे, अब वैसा नहीं है, अब हम डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं भोजपुरी में, हो भी रही है भोजपुरी फिल्म में, अश्लीलता अब एल्बम में है, भोजपुरी फिल्मों में नहीं है, गाने बहुत सोबर बनते हैं भोजपुरी फिल्मों के, और ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये साउथ के डायरेक्टर ने डायरेक्शन किया है इस फिल्म को, इसमें आधे से ज़्यादा आर्टिस्ट भी साउथ के हैं, तो ये इसकी प्लस पॉइंट है, और स्टोरी तो माय गॉड बहुत कमाल की है, आप देखने जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि एक सेकंड के लिए भी आप बोर होने वाले हो, तो प्लीज़ जाइए और देखिए आपके नज़दीक में जो भी थिएटर है, 25 तारीख को, इसी 25 को रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ जाइए आप लोग एक बार। इसका मतलब शायना सिंह जो सीधा साउथ में नजर आएंगे आने वाले? आई होप सो क्योंकि ये फिल्म तेलुगू में भी डबिंग है इसकी, ये भी सारी लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है पिक्चर, ऑफकोर्स मैं करना चाहूँगी यू नो साउथ में, बट बहुत मुश्किल है, बट ठीक है कोशिश करेंगे। भोजपुरी से अगर निकल के हिंदी में और भी रीजनल सिनेमा है उसमें अगर कोई मौका मिलता है तो? मुझे लगता है हिंदी का मुझे कोई क्रेज़ नहीं है, सीरियसली मुझे हिंदी करने में इंटरेस्ट भी नहीं है, तो मुझे नहीं करना है हिंदी। अगर मैं एक्चुअली आप पूछेंगे कि मुझे क्या पसंद है, तो मुझे ऑफकोर्स भोजपुरी तो हमारी लैंग्वेज ही है, मेरी मातृभाषा है, ऑफकोर्स हम भोजपुरी करेंगे, बट अगर कहा जाए तो मैं साउथ करना पसंद करूँगी, साउथ में तमिल, तेलुगु, कन्नडा, मलयालम, बहुत सारे लैंग्वेज है जो बहुत ग्रो कर रहे हैं। एक आर्टिस्ट चाहता है कि वो अच्छा काम करे, सिर्फ ये नहीं कि हाँ ठीक है पैसे तो सेकंड है। वेब सीरीज का बहुत चलन हो गया है, कितना आर्टिस्ट के लिए वेब सीरीज के बाद काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार हो गया? फ़ायदा तो मुझे कम ही नज़र आता है ओटीटी का, नुकसान ही बहुत ज़्यादा है। पहले अजीब सी वेब सीरीज आती थी, अभी भी मतलब कुछ अच्छी वेब सीरीज भी है, ऐसे नहीं कि सब वही आती है। नहीं हाँ है, लेकिन क्या है कि OTT के चक्कर में आज जो थिएटर मर गया है, भोजपुरी की तो बात ही छोड़ दो आप, हिंदी में भी कोई फिल्में नहीं चल रही, तो OTT अब सबको मिल ही जा रहा है 200 में, यू नो एक महीने देखो, तो क्यों जाएंगे 500 दे के थिएटर में फिल्म देखने, नहीं जाएंगे।
होने चाहिए, सिनेमा पे बहुत फर्क, बहुत बहुत फर्क पड़ता है लॉकडाउन के बाद, ये चीज़ें हो गई हैं। इसके लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद है? पब्लिक तक पब्लिक तक पहुंच रहा है, लेकिन फिल्म जो होती है ना वो थिएटर में देखनी चाहिए, थिएटर की चीज़ें होती है ये, वो छोटा सा वो फ़ोन में देख के आपको वो मज़ा, वो अनुभव नहीं मिलेगा जो थिएटर में देख के मज़ा आता हो। एज अ अगर मैं चाहूँगी कि मेरा फ्यूचर इसी में हो, मैं हीरोइन बनूँ, हीरो बनूँ, जो भी बनूँ, तो ऑफकोर्स एक सपना होता है कि मेरी फिल्म हॉल में लगे और पब्लिक देखे उसे, तो बहुत नुकसान है मेरे हिसाब से, तो बहुत नुकसान है ओ टी टी का। दिल में ऐसा कौन सा कैरेक्टर होता है जो उसको मौका मिले और वो करे? हाँ, मेरे दिल में, मेरे दिल में ऐसा होता है ना, हाँ, दिल में कि कोई मेरे को ऐसा किसी की बायोपिक या कोई ऐसा कैरेक्टर जो नेता हो, पॉलिटिशियन हो, या बहुत बड़ा कोई फिलोसफर हो, तो कुछ ऐसा अगर अभी तो फिलहाल बस ये ऐसा कुछ उतना ज़्यादा, तो पहले तो मौका मिलना ही बहुत मुश्किल है किसी भी इंडस्ट्री में, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके ताता, ताया, चाचा, मामा, मौसा, ये होना चाहिए इंडस्ट्री में, तो आप कुछ करोगे नहीं, तो अदरवाइज़ बहुत स्ट्रगल है सबके लिए, ऐसा नहीं है, बट ये एक तो सबसे पहले आपको मौका मिलना इम्पॉर्टेंट है, फिर आप टैलेंट दिखाओगे। आपको जुनून है, जुनून नहीं होता तो इतने साल से टिके नहीं होते और काम नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको एक्चुअली रियल मौका नहीं मिलता, ऐसे लोगों को मौका मिलता है जो आते हैं, आती हैं, शादी करके सेटल हो जाती, चली जाती दो फिल्म करके, तो ऐसे लोगों पे मौका वेस्ट करने से अच्छा आप उनको मौका दीजिए जो काम कर रहे हैं मार्केट में, ना कि आके दो फिल्में की और शादी कर लिया, वो गया ना, वेस्ट है, मेरे कहने का मतलब ये मुझे लगता है, आई डोंट नो, क्यों जरूरी नहीं कि जो मुझे सही लगे वो लोगों को सही लगे, मैं बस एक अच्छी फिल्म करना चाहती हूँ जिसमें सिर्फ मैं आऊँ और नाचूँ और गाऊँ और जो डायलॉग रहूँ और चलूँ जाऊँ, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं करना चाहती मैं, चाहती हूँ कि मेरी जो, मेरा जो एक्टिंग है, जो मेरा काम है, वो ऑडियंस तक पहुँचे, सिर्फ हीरोइन एक्सपोज करने के लिए ना हो, काम करने के लिए भी हो। जैसे अभी यशोदा पिक्चर आई है समंता की, आप जाके देखो क्या पिक्चर है, यशोदा, यू नो, समंता, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वैसी ये नहीं कि फिल्म सिर्फ नहीं देखूँ, बट हाँ, एक अच्छा कैरेक्टर हो, अच्छा रोल हो जो ऑडियंस तक पहुंचे, ना कि मैं वही एक गाना करूँ, दो गाना करूँ, या पांच गाना करूँ, सिर्फ गाने में मैं देखूँ और उसके बाद मैं गायब, ऐसा रोल नहीं करना चाहती थी। फिल्म में ऐसा क्या खास है जो ऑडियंस को टच करेगी और ऑडियंस आएगी? लंका में सीता, इसमें खास ये है ना, एक तो ये साउथ के डायरेक्टर ने बनाई है, और आपको पता है आज भी, आज तो साउथ का ऐसा दौर चल रहा है कि सबको साउथ की फिल्में पसंद आती है, तो वो इसमें टच करने वाली बात ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे ना सीक्रेट कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली आपको शॉक देंगे, ओ माय गॉड ये है, ये इसने ये किया, और एक सेकंड के लिए आप बोर नहीं होने वाले हो, एक्शन ज़बरदस्त है, कॉमेडी है, और एक सोशल मैसेज भी है जो एक्चुअली फिल्मों के जरिए होना चाहिए, यू नो, फिल्म हम देखते हैं वो हमारे लिए एक आईना है, तो बहुत, क्या मैं बोलूँ, तारीफ शायद शब्द कम पड़ जाएगी, बट पिक्चर आएगी, एक बार तो ट्राई करना चाहिए आप सबको। और कुछ आपके प्रोजेक्ट आने वाले हैं? हाँ, करेंगे आप अपने दर्शकों से, हमारे दर्शकों से? जी, मैं कहना चाहती हूँ, अभी मेरी बहुत ही जल्दी एक और पिक्चर में, मैंने एक ही गाना उसमें भी किया है, अघोरी फिल्म का नाम है, यश मिश्रा हीरो है, राजू सर डायरेक्टर है, बहुत कमाल की, वो भी बहुत यूनिक फिल्म है, बट उसमें भी आइटम नहीं है, वेलकम सॉन्ग है, इट्स अ ग्रैंड सॉन्ग। और अभी मेरी एक फिल्म आ रही है ड्रामेबाज दमाद, एक हीरो निधि जी हैं, एक मैं हूँ, वो भी बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, उसके डायरेक्टर इमायराज सर है, प्रोड्यूसर आर पी यादव जी हैं, और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इस साल आने वाली है हमारे। ऑफर्स नहीं आ रहे, एक्टर बुरी है नहीं, मैं डांस ठीक ठाक है, एक्टिंग भी ठीक ठाक है, प्रॉब्लम वो नहीं है, मैंने क्या बोला, आपका चाचा दादा होना चाहिए इंडस्ट्री में, सो नहीं है हमारा तो आई मीन अगर आपको आप काम बार करना बार, है, आप बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि दादा कुछ ऐसा मतलब हुआ है? नहीं नहीं, एक्चुअली भाई आपका बैकग्राउंड फिल्मी नहीं है तो आप नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत लड़की बार बार मतलब होता है, आपने मुझसे पूछा ना कि यू नो आपको सॉन्ग क्यों, क्योंकि क्या है कि अब हीरोइन या तो इसकी या तो उसकी मार्केट की या तो फलन जो भी रीजंस है, तो अब मुझे जो मिल रहा है मैं करूँगी ही ना, चलो मैं एक ही गाने में दिखाऊंगी मेरा परफॉर्मेंस क्या है, मेरा डांसिंग लेवल क्या है, जो भी है, तो मैंने किया। अब मुझे सुबह जी के साथ काम करना था, तो अगर मैं ये चांस मिस करती तो मेरी गलती होती। कुछ तो है, आप बोलना नहीं चाहते हैं, बट दिल में है क्या ऐसा कि मतलब फैमिली बैकग्राउंड अगर नहीं है? नहीं,
नहीं मतलब तो उसको मौका जल्दी से नहीं मिलेगा बैकग्राउंड नहीं इंडस्ट्री में गॉडफादर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सबको पता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, विदाउट गॉडफादर आपको बहुत मुश्किल करना पड़ता है। आप बोल रहे हैं ना कि क्यों आपको एक एक गाने, इसलिए मैं एक एक गाने कर रही हूँ क्योंकि गॉडफादर नहीं है। अगर गॉडफादर होता तो शायद मैं भी एक अच्छी बेहतरीन फिल्मों में हीरोइन होती या सेकेंड लीड, और ये सब नहीं करना पड़ता। बट इट्स ओके, ये मैंने अचीव किया है, किसी ने मुझसे दिया नहीं है, ये मेरी मेहनत है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि जो मैं कर रही हूँ। अच्छा, एक्टिंग ज़्यादा बेहतर है आपकी या डांस? दोनों दोनों क्योंकि मैं एक्टर भी अच्छी हूँ और डांस तो है ही अच्छा। मैं डांसिंग में ज्यादा मौका मिल रहा है एक्टिंग में? हाँ, अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, डांसिंग में मौका मिल रहा है एक्टिंग में नहीं। आई होप कि वो भी एक्टिंग में भी मौका मिले बहुत जल्द मुझे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।